शासन का चुनाव नहीं हुआ, यह कहीं ना कहीं छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन है। विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं चाहती है कि शासन का चुनाव हो, छात्र नेता जो है वो निर्वाचित होकर के आए, जो कि विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों द्वारा जो कुकर्म किया जा रहा है उसको आम छात्रों के बीच रखें। यह स्पष्ट है विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की मंशा जो है। मैं मांग करना चाहता हूँ कि जो भी पदाधिकारी हैं वो अपने कार्य को सुचारू रूप से करें और छात्र हित में रख करके कार्य करें। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने को विवश होगा और यह आंदोलन सड़क से लेकर के सदन तक होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपको पता होना चाहिए एकदम सच्चाई सुनिए आत्मा की बात। काफी लड़के बीएड पार्टों में सब सामने रो रहे थे बीएड के लिए, मैंने रिजल्ट इसी तरह से प्रयास करके निकाला। निकालने के बाद तरह तरह के पेपर में भ्रांतियाँ आई और तरह तरह के हम पर शोकोज भी पूछी गई। मैंने कोई कन्फिडेंशियल है, शोकोज नहीं पूछनी चाहिए, कैसे रिजल्ट निकाल फिर पूछ लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। जो सच हो जवाब भी दे दिए और अभी तक उस जवाब संतुष्ट नहीं है, फिर पुनः जवाब हमें आया कि भाई आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है, बीएड का रिजल्ट निकाल। लेकिन अब जो लड़का का चेहरा देखते हैं तो लगता है कि हम क्या कर सकते हैं करते हैं। लेकिन अब क्योंकि हम एक परीक्षा नियंत्रक हैं और बाकी क्योंकि ऊपर वाले का जो आदेश होगा वो मानते हैं, ऊपर वाले का जैसी आदेश होगा हमें किसी काम करने में देरी नहीं होगी। कंडीशन है वो भी हमें संसाधन की व्यवस्था कर दें, मतलब विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा को संसाधन नहीं दिया जाएगा। जी तभी ना, सच्चाई तो ही ना है, संसाधन जैसे दिया जाएगा। आपको पता ये होना चाहिए कि जब हमारा कोई पीए नहीं है, मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, मेरा कंप्यूटर रजिस्ट्रार लेके चले गए हैं और अभी तक आ सके नहीं, आज परीक्षा समिति की बैठक होने वाली है, बहुत सा टेक्निकल पॉइंट है जो कि हम रख सकते हैं तो रख नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत पीए के अभाव के कारण। किसका डेट का पब्लिश हुआ, कितने इतना दिमाग थोड़ी बात रहती है, आप तो कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर से वह कंप्यूटर ऑपरेटर लेके चले गए रजिस्ट्रार। अरे सर आज महीने लगता है, दो महीना तीन महीना होने जा रहा है, न मुझे कंप्यूटर सिस्टम दिया गया, न कोई संसाधन दिया गया, न मुझे पीए दिया गया। किस परिस्थिति में मैं लड़कों का जो पास्ट रिजल्ट है, पास्ट रिजल्ट करने मतलब मार्कशीट बनाना डिग्री बनाना वो काम कर रहे हैं और मेरे यहाँ डिग्री कोई पेंडिंग, जो भी डिग्री पेंडिंग है वो करने के लिए। तो सर पदाधिकारियों के चक्कर में छात्र का भविष्य कब तक बर्बाद होगा, क्योंकि हम तो आपको नहीं जानते हैं ना आप कुलपति को जानते हैं, हमारा तो परीक्षा परिणाम और नामांकन है, मेन मुद्दा हमारा ये है। और अभी नहीं, 2016 का जो 18 में एडमिशन हुआ था उसका पार्ट टू का आपके द्वारा आता है कि भाई वो मार्कशीट गायब है, वो मार्कशीट नहीं है, कॉपी नहीं चेक होगा, तो कब तक सर ये समस्या जूझता पड़ना है छात्रों का, क्योंकि सर हमको परीक्षा से मतलब है, आपकी लड़ाई आपकी व्यक्तिगत कुलपति से और सर हमारा जो हमारा लड़ाई है बल्कि बच्चों के कल्याण की लड़ाई है। हम क्या आए हैं, कोई जमीन खरीदने आए हैं थोड़े, मैं तो यहाँ परीक्षा लेने आया हूँ, परीक्षा नियंत्रक बनाया गया हूँ, परीक्षा विद्यार्थी के साथ काम करके आया हूँ। मैं अक्सर हाँ विद्यार्थी रहता हूँ, विद्यार्थी अपडेट करता हूँ, कहीं विद्यार्थी मुझे बेइज्जती करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी मैं जाता हूँ कि उसी के बीच में रहना उससे कितना हम भागेंगे, और भागते भी नहीं हैं। शायद अगर कोई विद्यार्थी होंगे तो जानते होंगे मैं भागता भी नहीं हूँ, सब सहता भी हूँ। जब देखते हैं कि उसी में कोई मैनेजमेंट घुस के हमें डिस्टर्ब कर रहा था, कोई कान में आवाज़ आती है कि अरे तो छात्र से ज़्यादा मैनेजमेंट घुस गए, उस कंडीशन में भागना पड़ता है, उस मैनेजमेंट तो कुछ भी कर सकता है। किसी से पर्यायोजित घटना अगर आता है तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि हमारे छात्र गलत नहीं करते हैं मेरे साथ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे छात्र आज तक हमसे गलत व्यवहार नहीं किए न गलत बोले। तो समस्याओं का समाधान कब तक होगा, कब तक होगा? देखिए समस्या समाधान माननीय भी से आ रहे हैं, पूरी बात उनसे भी कर लिया जाए, क्योंकि मैं अकेले नहीं हूँ। एक जस्ट लाइक आप कहें परीक्षा नियंत्रक क्या है, एक आदेश पालक टाइप के है, ऊपर का आदेश आएगा मैं पालन करूँगा, अगर ऊपर का आदेश के बिना पालन किए मैं करूंगा तो हम पर तुरंत देखेंगे, बहुत सा लेटर मैं दिखाऊंगा जो कि हमको शो को पूछे जा रही है कि आपने बीपीएच के रिजल्ट कैसे दे दिया, फलनवा के रिजल्ट कैसे दे दिया, लाइब्रेरी कैसे दे दिया। भाई जो उन्होंने पहले परीक्षा ली थी सालों से पेंडिंग था, लड़के रो रहे थे, मजबूरी था दे देना और वो आदेश के तहत दिए, लेकिन उन्होंने फिर पूछना शुरू कर, मानसिक प्रताड़ना से हम जी रहे हैं। अभी जो मेरी स्थिति आपको पता होना चाहिए, अभी तक मुझे फ्लैट नहीं अलॉट किया गया है रहने के लिए, मैं कहाँ रहता, जब जाते हैं गेस्ट हाउस में रजिस्ट्रार मना करते हैं कि आप यहाँ नहीं अलाउ नहीं है, मैं कहाँ रहूँ, जहाँ तहाँ रह रहा हूँ, कोई सियाना मेरे पास रहने का नहीं है, रात बिताता हूँ, दिन में काम करता हूँ,
मतलब इनका ये असर आपका कहना यही है कि आप कुलपति से आप लोग बात कर लीजिए, समस्या का समाधान निकले। ठीक है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रख दिए बाकी।